हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और लास्ट की दो वीडियो आप देख कर आए होंगे और तीसरी वीडियो आज बनाने जा रहे हैं 7.3 समाकलन 7.3। तो इसके पहले हम एग्जांपल करवाएंगे, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो टाइम डिले ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो आएगा, कहेगा समाकलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहेगा इसका समाकलन कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला एक पर रखा होगा, क्या होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी इसका ये क्या हो जाता है हाफ। ओके, हमें चाहिए क्या, केवल कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ, तो 2 तो चाहिए नहीं, 2 कहाँ जाएगा इसके अपान में। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या पड़ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे x है तो क्या रहेगा x, और किसके सापेक्ष हो रहा है dx के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो dx। अब अलग अलग कर लीजिए वैल्यू, 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। 1 अपॉन 2 अचर पद इसे आगे ले लेंगे, 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। ओके, तो एक का समाकलन क्या हो जाता है x, तो 1 बटे 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटे 2। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स। तो यहाँ पे 2 है तो साइन 2x। देखो अवकलन अवकलन में गुणे में हो जाता है और समाकलन में भाग में, जो यहाँ पे वैल्यू है वो भाग में चली जाएगी इंटू 2 प्लस सी। तो इसे क्या लिख सकते हैं फाइनल, x बाई 2 प्लस साइन 2x अपान 4 प्लस सी। तो ये समाकलन हो गया किसका, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो समाकलन एक हो, ठीक है, एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में वैल्यू जो है एकदम इक्को रेट आएगी, क्योंकि वो निश्चित है कि उसका उत्तर अगर एक आना है तो एक ही आएगा। बट अनिश्चित समाकलन में ये नहीं होता है, जिस अकॉर्डिंग आप फार्मूला डालेंगे उसी अकॉर्डिंग उत्तर उसका आएगा। ओके, तो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं इसका। इसे डिलीट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है, समाकलन साइन 2x कॉस 3x dx, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो
देखो तुम्हें फार्मूले निकालना बताते हैं, क्या होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन बी कॉस ए, ओके। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इसे जोड़ देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर, देखो विपरीत चिन्ह के जोड़ने में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यह हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और एक कितना हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला होता है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हमें सिर्फ चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी, तो हो जाएगा वन अपान टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ये ओके। तो इसके स्थान पे हम वैल्यू क्या डालेंगे, ये डायरेक्ट देखो यहाँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे ये आया, फिर तुम्हें वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए इसका, ठीक है। जितनी ही वैल्यू तुम्हें याद होंगी, ठीक है, जितने ही फार्मूले याद होंगे उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसके स्थान पर क्या डाल देंगे, एक बटे दो समाकलन साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री एक्स, फिर प्लस साइन ए माइनस बी टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ये हो जाएगा, और ये आखिरी में क्या रहेगा डी एक्स एक बटे दो, ये तो ये कितना हो जाएगा साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स प्लस साइन माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फार्मूला होता है देखो यहाँ पे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो देखो यहाँ पे साइन माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा बराबर माइनस साइन एक्स, तो एक बटे दो समाकलन का निशान लगा लेंगे यहाँ पे साइन फाइव एक्स और माइनस साइन एक्स, ओके, और ये डी एक्स। अब अलग अलग कर दीजिए, एक बटे दो समाकलन साइन फाइव एक्स डी एक्स माइनस एक बटे दो, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में है साइन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा एक बटे दो, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस फाइव एक्स अपान फाइव माइनस वन अपान टू, और ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, तो हो जाएगा ये माइनस कॉस फाइव एक्स अपान पाँच दूनी दस, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपान टू प्लस सी, इसे सही से लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा किसके बराबर समाकलन
साइन 2x कॉस 3x dx इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ गया, प्लस पहले लिख लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे फिर भी सही, अगर प्लस पहले लिख लेंगे फिर भी सही अच्छा लगेगा, और कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस 5x अपान 10 प्लस सी, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, मैंने क्या कहा है आपको, हम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, यानी बिल्कुल मिनिमम जीरो से पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कहाँ से क्या आया। ओके, तो इसको हम साइड में हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये सेकेंड था, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम थर्ड। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कहां से क्या आया। ओके, करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम्पल का समाकलन साइन 3x dx। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, आपको क्या काम है, जितने आपको फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आते होंगे उतनी ही आसानी से तुम समाकलन अवकलन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो इसे इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और ये टी एक्स, और ये इसे साइन, देखो एक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, हमें क्या चाहिए साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू साइन एक्स और ये डीएक्स। अब हम लेट कर लेंगे, क्या माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन डी कॉस एक्स अपान डी टी और ये डी टी अपान डी टी, कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन एक्स डी एक्स अपान डी टी और डी टी अपान डी टी क्या हो जाएगा वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें डी एक्स साइन डी एक्स चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स और डी एक्स बराबर माइनस डी टी, यानी साइन एक्स के स्थान पे क्या पड़ेगा माइनस डी टी। ओके, जो मिल गया जिसे मुझकी मुझको तलाश थी क्या, ठीक है देखो ये हो गया इसके स्थान पे, तो क्या हो जाएगा समाकलन वन माइनस टी स्क्वायर इन टू माइनस वन और ये डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे जो माइनस से प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी, अलग अलग कर लेंगे क्या हो जाएगा टी की घात समाकलन टू और ये डी टी माइनस वन डी टी, तो देखो टी टू प्लस वन अपान टू प्लस वन माइनस, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है समाकलन, ठीक है वन, तो उसका क्या हो जाएगा टी, अगर यहाँ पे एक्स होता तो एक्स हो जाता। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया टी की पावर थ्री अपान थ्री माइनस टी,
ओके। तो ये आपका देखो टी माना क्या था हमने, टी माना क्या है कॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स अपान थ्री माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। ये आ गया साइन थ्री एक्स डी एक्स का समाकलन। ओके, तो इसे ये इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक साइन थ्री एक्स का सूत्र होता है, वैसे भी लग जाएगा। एक देखो ऐसे हो जाएगा, ये कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। अगर इसका सेकंड तरीका देखना चाहते हो तो वो भी देख लीजिए। अगर तुम्हें फार्मूले आते तो सारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका सेकंड तरीका देख लीजिए, सेकेंड तरीका इसका देखो होता है एक ये साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अगर तुम्हें फार्मूला ये याद है इसका साइन थ्री एक्स का, तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। तो हमें चाहिए क्या, साइन क्यूब एक्स, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म उधर चला जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का उधर जाएगा, फोर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। हमें फोर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन क्यूब एक्स चाहिए, साइन क्यूब एक्स ये हो जाएगा थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस वन बाई फोर साइन थ्री एक्स। ओके, तो साइन क्यूब एक्स के स्थान पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो समाकलन थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस वन अपान फोर साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। तो ये अचर पद कांस्टेंट वैल्यू है, थ्री बाई फोर पहले कर लेंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस वन अपान फोर साइन थ्री एक्स डी एक्स। थ्री बाई फोर साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस कॉस ये एक्स हो जाएगा, और ये माइनस वन अपान फोर इसका अवकलन क्या होगा, माइनस कॉस थ्री एक्स इंटू में कितना हो जाएगा थ्री प्लस सी। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक बटे ट्वेल्व, और ये कॉस थ्री एक्स प्लस सी ऐसे ही रख दीजिए, या इस प्लस प्लस वाले को पहले लिख लीजिए वन अपान ट्वेल्व कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री बाई फोर कॉस एक्स प्लस सी। एक ये भी तुम्हारा साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये समाकलन हो गया। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों आंसर सही हैं आपके। जो फार्मूला आप डालेंगे उसी हिसाब से आंसर आएगा उसका। अब हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं।
एग्जाम्पल थे, देखो पहले एग्जाम्पल करवाएंगे फिर उसकी पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे ए टू जेड प्रत्येक क्वेश्चन। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं एजुकेशनल, सब पे भेज दीजिए, जिससे आपका तो प्रॉफिट होगा साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स का भी प्रॉफिट होगा। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और ये dx, ओके ये हो। तो मैंने क्या बताया, कुछ नहीं, वही cos 2x का सूत्र क्या होता है, cos 2x का सूत्र क्या होता है, होता है साइन के पदों में 1 - 2 sin² x, ठीक है। और हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो ये इधर आएगा और ये इधर, ये माइनस का है इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin² x, और ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 1 - cos² x, ओके। हमें साइन स्क्वायर चाहिए ना कि 2, तो 2 को इसके बेस में कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos² x / 2। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.25 पे देखिए, 1.50 पे देखिए, 1.75 पे देखिए या 2 पे देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने आप सबसे वादा किया है कि जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती उसको भी आएगी, इस वजह से हम अभी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कहाँ से कौन सा टॉपिक आया, ठीक है। एक दो एक्सरसाइज निकलने के बाद फिर स्पीड आपको हम दिखाएंगे। तो ये हो गया इसका, तो इसी प्रकार देखो सॉल्व करेंगे इसे, ये यहाँ पे क्या डाल सकते हैं 1, अब देखो ये यहाँ पे x के जगह पे क्या है, वहाँ पे साइन स्क्वायर 2x + 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 - cos² और 2x + 5/2, तो 1 - cos 4x + 5, ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 यानी 10 और 2, ये पड़ जाएगी इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर 2x + 5, ओके इसके स्थान पर ये वैल्यू पड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - cos 4x + 10/2, ओके अलग अलग कर लेते हैं इसे, 1/2 1 dx - 1/2 और ये cos 4x + 10 और ये dx। देखो अभी तो हम बता रहे हैं आपको बेसिक, जैसे समाकलन आपको करना हो, ठीक है, लिखा है यहाँ पे cos ax + b, ठीक है। तो पहले cos का क्या होता है साइन x, मतलब और x के स्थान पे क्या है ax + b, अपान में उसके वही आता है जो x के गुणांक में होता है, x के गुणांक में क्या है a, तो ये हो जाएगा a + c, ओके। ये कैसे आया ये भी करके हम तुम्हें दिखा देते हैं, जैसे देखो ये करना था हमें समाकलन cos ax + b, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, dx वो देख लीजिए। तो इसे मान लेंगे लेट ax + b इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका a dx अपान dt, b क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो d 1 अपान dt और dt अपान dt। 1 है कि देखो एक का अवकलन क्या होता है जीरो, ये a dx अपान dt और ये प्लस जीरो इक्वल टू डी टी अपान डी टी वन हो जाएगा। तो क्या हो गया ए डी एक्स अपान डी टी बराबर वन। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ तक ए, यहाँ पे हमें चाहिए क्या केवल डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू वन अपान ए और ये डी टी। समझ में बात, देखो अभी तो मैं तुम्हें बेसिक से ये बिल्कुल बता रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्ट करूँगा यार। जहाँ पे ये a यहाँ पे 5 होगा 5 नीचे आ जाएगा, 10 होगा 10 आ जाएगा, k होगा k कुछ भी होगा वो नीचे आ जाएगा आराम से, ठीक ना। तो ये देखो आता है, ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए ऐसे। तो 1 बटे 2 रिस्पेक्ट में किसके हो रहा है x के, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वन अपान टू। कॉस का क्या होता है समाकलन, कॉस का होता है साइन, कॉस क्या होता है साइन, साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे 4x प्लस 10 और अपान, अपान में इसके एक्स के मल्टीपल में क्या है गुणांक क्या है 4, तो 4 नीचे हो जाएगा प्लस c, ओके। तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1 अपान 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। समझ में बात आई डाटा पूरा कि नहीं ये, और ये इसके इक्वल। अब देखो मैथ में इक्वल लगाना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये इसका समाकलन हो गया, ओके। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, देखो ये आपका हो गया। बराबर के नीचे बराबर लगना चाहिए तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, तब भी आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, 100 में 100, ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, समाकलन साइन 3x इंटू कॉस 4x डीएक्स। अभी मैंने देखो अभी सूत्र बताया था मैंने क्या, ये साइन a इंटू कॉस a क्या होता है 1 बटे 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने यही बताया था आपको कि ये होता है, ओके। तो इसके स्थान पे हम डाल देंगे वैल्यू, यही पुट कर देंगे 1 बटे 2 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए की जगह पे कितना है 3x प्लस 4x और ये प्लस साइन 3x माइनस 4x और ये क्या हो जाएगा dx 1 अपान 2 समाकलन 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 साइन 7x प्लस साइन माइनस x और ये dx। देखो अभी बता चुका हूँ मैंने क्या कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले आ जाएगा इसके 1 बटे 2 समाकलन
साइन 7x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दीजिए सबको, एक बटे दो साइन 7x डी एक्स माइनस वन अपान टू साइन एक्स डी एक्स। तो एक बटे दो, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स की जगह पे कितना है 7। ठीक है, समाकलन में जो इंटू में है वो क्या चला जाएगा, जो गुणांक में वो भाग में चला जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस वन अपान टू इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू नीचे ये 1 हो जाएगा और प्लस सी, तो कितना हो जाएगा ये माइनस कॉस 7x अपान 14 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपान 2 प्लस सी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और अगर प्लस लिखना चाहो तो पहले प्लस लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस 7x अपान 14 प्लस सी। ये किसके बराबर आ गया, समाकलन साइन 3x इंटू कॉस 4x और ये dx। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा आपके बिल्कुल विद्वत अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समाकलन cos 2x cos 4x cos 6x और ये dx। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 6 सेम टू सेम है, इसमें का 3 करवा देंगे, 6 अपने मन से तुम्हें करना होगा कमेंट। ठीक है, करके कमेंट बॉक्स में इस फोटो लेके भेज देंगे, सेंड कर देंगे मेरे पे, तो मैं देख लूँगा सही है किया कि नहीं। ओके, तो देखो अब एक सूत्र होता है cos a माइनस बी, तो इसका होता है फार्मूला cos a इंटू cos b माइनस, माइनस है तो क्या रहेगा प्लस। ठीक है, और ये साइन ए साइन बी और ये ऐसे होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला एक होता है, क्या हो जाएगा ये कॉस ए कॉस बी और ये प्लस है तो माइनस होगा साइन ए और साइन बी। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करेंगे, जब लिखेंगे सॉल्व इट, इसको समाकलन cos 2x इसे कर लीजिए एक में cos 4x और यह cos 6x और ये dx। ठीक है, तो ये अब देखो अगर यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये cos a माइनस बी और प्लस cos a प्लस बी इक्वल टू एक और एक कितना हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया।
तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, बनाना नहीं, अगर बाई चांस भूल जाते हो तो बना लोगे कैसे, कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको पहले भी लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे दो से गुणा दो से भाग, लिखेंगे दो से गुणा व भाग करने पर, भाग करने पर, तो समाकलन cos 2x और ये दो से गुणा कर दीजिए और दो से भाग, कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा cos 4x cos 6x और ये dx, ओके। ये अब देखो इसको एक बटे दो, ये cos 2x पहले लिख लेंगे और ये ब्रैकेट चालू, ये समाकलन का निशान है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे क्या, यही cos a प्लस बी cos 4x प्लस 6x और प्लस cos 4x माइनस 6x और इनटू ये dx हो जाएगा, वन अपान टू समाकलन cos 2x, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 10x प्लस cos माइनस 2x, तो एक बटे दो और ये cos 2x cos 10x प्लस। अब देखो फार्मूला एक होता है ये, क्या इधर ही देख लेते हैं, cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ये माइनस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इस परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा cos 2x, ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये एक बटे दो, ये cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x का इंटू cos 2x और ये dx और ये समाकलन का निशान है, ओके। अब देखो यहाँ पे फिर से दो से गुणा दो से भाग करना होगा, लिखेंगे यहाँ दो से गुणा भाग, दो से गुणा व भाग, तो ये कितना हो जाएगा वन अपान फोर समाकलन, ये टू कॉस टेन एक्स इंटू कॉस टू एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला लगा देंगे, वन अपान फोर समाकलन, इसका क्या हो जाएगा कॉस टेन एक्स प्लस टू एक्स प्लस कॉस टेन एक्स टेन एक्स माइनस टू एक्स प्लस, इसमें भी यही फार्मूला टू फार्मूला इसमें भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स माइनस टू एक्स और ये डी एक्स, ओके। तो ये वन अपान फोर, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, समाकलन
कॉस, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2lx dx प्लस ये समाकलन कॉस 8x dx प्लस समाकलन कॉस 4x dx प्लस समाकलन कॉस ये कितना हो जाएगा 0 और ये dx। ओके, 2x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, तो 1/4 ये इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस का क्या होता है साइन 2lx अपान 2l प्लस साइन 8x अपान 8 प्लस साइन 4x अपान 4 और ये हो जाएगा प्लस और कॉस एक्स, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 dx। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा साइन 2lx बच ऑफ 48 प्लस साइन 8x 8 × 32 प्लस साइन 4x अपान 16 और एक का क्या होता है x/4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा चुके हैं। जैसे एग्जांपल था क्वेश्चन, ये एग्जांपल था क्या साइन 3x इसका था, तो इसके स्थान पे ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे देखो ये समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 ये है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव। फोर होमवर्क के लिए हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। साइन 3x और कॉस 3x और ये dx। देखो ये डिपेंड करता है तुम मान किसको रहे हो और किसको तुम तोड़ रहे हो, ठीक है, किसको तोड़ रहे हो। अगर तुम ये क्या हो गया यहाँ पे साइन क्यूब एक्स इंटू इसे क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस को क्या लिख सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके स्थान पर ये वैल्यू डाल देंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू और ये
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। गुणे में घाते जुड़ती हैं, जब बेस समान हो साइन थ्री एक्स माइनस साइन फाइव एक्स और ये इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो लेट कर लेंगे, साइन एक्स मान लेंगे कॉस एक्स आ जाएगा। माना साइन एक्स इक्वल टू टी, तो लिखेंगे यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसे तो क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स अपान डी टी और ये डी टी अपान डी टी। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स अपान डी टी और डी टी अपान डी टी कितना हो जाएगा वन। हमें चाहिए का कॉस एक्स डी एक्स, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे ये हो जाएगा डी टी। जो मिल गया तो जिसको तो मुझको तलाश थी, जिसकी तो मुझको तो तलाश थी, ठीक है क्या, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है तो अब देखो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ये काम नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी फाइव और इन टू डी टी, तो ये टी थ्री अपान डी टी माइनस समाकलन टी फाइव और ये डी टी, तो कितना हो जाएगा ये टी एक पावर में बढ़ जाएगा एक यहाँ पे फोर माइनस टी सिक्स अपान सिक्स प्लस और प्लस सी। अब देखो वैल्यू रख देंगे, माना क्या था मैंने टी को क्या मान रखा था साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फोर एक्स अपान फोर माइनस साइन सिक्स एक्स अपान सिक्स प्लस सी। ओके ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर हम साइन को तोड़ दें तो दूसरा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम पे, तुम कैसा इसमें रिस्पॉन्स कर रहे हो, जिस प्रकार से आप फार्मूला डालोगे उस प्रकार से आ जाएगा। बट निश्चित समाकलन में ऐसा नहीं होता है, निश्चित समाकलन में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर टू आना है उसका आंसर तो टू ही आएगा, तुम चाहे इधर से जाओ या उधर से जाओ, किधर भी रास्ते से आओ तुम्हें टू लाना ही होगा और टू आएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, अनिश्चित में ऐसा नहीं होता है, तभी इसका नाम है अनिश्चित समाकलन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से तुम फार्मूला लगाओगे उस प्रकार से तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये समाकलन है साइन एक्स साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह बिल्कुल है, अगर तुमको क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थ्री के तरीके से है, तो ये होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, समाकलन साइन फोर एक्स और साइन
एट एक्स डी एक्स। ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, क्या देखो, जैसे ये लिखा है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर ये पहले माइनस लिख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस। अब कॉस ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखो पहले अगर कॉस कॉस चाहिए था तो लिख दिया था जोड़ने पे, जोड़ने पे। ठीक है, अब हमें साइन चाहिए तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, घटाने पर। घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, अब माइनस ये माइनस ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें पेपर में याद रखने, डायरेक्ट फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अगर ना आए बाई चांस तो तुम्हें ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू कॉस ए इंटू सॉरी यहाँ पे हो जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो ये टू तो चाहिए नहीं, तो ये नीचे आ जाएगा एक बटे दो, और ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसके स्थान पे ये डाल देंगे, देखो सेम टू सेम यही लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए ये ए है और ये बी है, तो फार्मूला पड़ेगा एक बटे दो समाकलन, ठीक है, कॉस फोर एक्स माइनस एट एक्स और माइनस कॉस फोर एक्स प्लस एट एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, एक बटे दो, ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस फोर एक्स माइनस कॉस ट्वेल्व एक्स और ये डी एक्स। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो हो जाएगा एक बटे दो समाकलन कॉस फोर एक्स माइनस कॉस ट्वेल्व एक्स और ये डी एक्स। अब अलग अलग कर लेंगे, एक बटे दो कॉस फोर एक्स डी एक्स माइनस एक बटे दो कॉस ट्वेल्व एक्स डी एक्स, तो एक बटे दो इंटू कॉस फोर एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस का फार्मूला क्या होता है, साइन फोर एक्स अपान फोर माइनस एक बटे टू ये साइन ट्वेल्व एक्स अपान ट्वेल्व प्लस सी, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे साइन फोर एक्स अपान एट माइनस साइन ट्वेल्व एक्स अपान ट्वेंटी फोर प्लस सी, ये आपका आ गया समाकलन साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स डी एक्स, ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आ गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन आराम से लगा लीजिए सही से।
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो मिल गया धन सिंह, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करते रहें। आपको मैंने क्या बताया था, 0 to 2 हीरो लेवल, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से। इतना बेसिक से मैंने आज तक नहीं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जितना बेसिक से मैं तुम्हें ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। यानी कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप सही से अगर वीडियो बाय वीडियो देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं पूरी मैथ आपकी 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूँ। नवंबर दिसंबर 2 महीने में, मतलब 1 जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस एकदम पूरा खल्लास। इंटरमीडिएट NCERT 12th मैथ खल्लास, क्लिंग कर देंगे इसे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सवाल है। इससे सिंपल शायद कोई सवाल होगा भी नहीं, सारे सिंपल सवाल होते हैं, बट तुम्हें अगर आते हैं सारे फार्मूले सब तो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें नहीं आता तो बहुत क्वेश्चन वो टफ है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इट, समाकलन 1 माइनस, अब इसे एक काटना है तो क्या फार्मूला डालेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ अपान, ये लिख लेंगे dx। ओके, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, बराबर के नीचे बराबर, 1 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगी, जो माइनस हो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। 2 से 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 अभी नहीं कटेगा, ये मत काट देना क्योंकि गलत हो जाएगा अभी, ठीक है। आंसर तो सही आ जाएगा, काट दोगे बट प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx, इससे ये कैंसिल आउट। साइन बटे कॉस क्या होता है, 10, साइन बटे कॉस क्या होता है, 10, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता सकते। तो अब देखो, हेलो, एक तुमने पढ़ा होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1, ये आइडेंटिटी होती है। हमें चाहिए 10 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हाफ है तो हाफ हो जाएगा, तो इसके जगह पे क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये dx। ओके, इसके आगे अब यहाँ देख लेंगे, अलग अलग तोड़ लीजिए, क्या sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx यहाँ से यहाँ ऐसे, ओके, और ये माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x, बट यहाँ एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 होगा, 2 है तो ये 1 अपान 2 होगा, ठीक है। क्या कहा था मैंने, जो गुणांक होता है वो भाग में चला जाता है, तो गुणांक इसका 1/2 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा इसके, ठीक है, और माइनस
एक्स प्लस सी, ये पलटी मारेगा, ये चौथी की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर ये आ गया। ओके हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, आप मेहनत करेंगे, अच्छा रिस्पांस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समाकलन कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके देखो, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कॉस 2x इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे 2 है तो एक में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये से ये हाफ में हो रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ होता cos x तो क्या हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ओके जैसी जहाँ पे आ सकता वैसा वहाँ पे काम। ओके तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व हल, तो फार्मूला डालेंगे कहाँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और इसे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस और ये इससे ये कैंसिल आउट, तो ये इसको अलग अलग लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई ये डी एक्स, ये 1 अपान 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है तो ये 1/2 तो साफ के नीचे रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 1/2 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 square x/2 dx, तो 1/2 ये हो जाएगा x माइनस 1/2। sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 10 square x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 और ये dx, इसे ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। ओके तो ये एक्स बाई टू माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये 1 है यहाँ पे। ओके तो एक्स बाई टू माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और फिर एक्स बाई टू मतलब 1/2 प्लस ये एक्स बाई टू प्लस सी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्स बाई टू प्लस ये पहले लिख लीजिए एक्स बाई टू
माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। देखो ये हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिसको बेस इसका समान है तो कितना, टू एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू एक्स अपान टू माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से बेहतर इंक प्लस वाटर ड्रिंक। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, समाकलन साइन 4x dx। ओके, तो लिखेंगे हल। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x और ये dx। ओके, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, यह भी होता है, ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है इसको। बट देखो यहाँ अगर ऐसे नहीं तो ये देखो, कास टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ये इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या है, माइनस हो जाएगा। टू साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपान टू, ये हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पे यही पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन माइनस कास टू एक्स अपान टू और इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स अपान टू, ये डी एक्स। तो दो दुना कितना हो जाएगा, चार, वन माइनस कास टू एक्स का होल हाफ स्क्वायर, तो इसको निकाल लेंगे वन अपान फोर, वन माइनस कास टू एक्स का होल हाफ स्क्वायर, तो वन अपान फोर, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे समाकलन, इसको फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे वही फार्मूला लग जाएगा, तो क्या, एक प्लस
कॉस स्क्वायर टू एक्स, और ये माइनस टू कॉस टू एक्स, और ये हो गया टी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान फोर। अभी और रुक जाइए थोड़ा, ये समाकलन देखो, अगर हमें कॉस के पदों में डालना हो, इसका अगर कॉस के पदों में कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस के पदों में सूत्र डालना हो तो क्या करेंगे हम, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स अपान टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर के एक्स के स्थान पे वन प्लस कॉस टू एक्स, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या पड़ेगा, वन प्लस यहाँ पे कॉस फोर एक्स अपान टू माइनस टू कॉस टू एक्स, और ये एक्स। अब फिर देख लीजिए यहां से, वन अपान फोर बड़ा ब्रैकेट समाकलन, इसे वन प्लस वन बाई टू प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू माइनस टू, और ये कॉस कॉस टू एक्स, और ये डी एक्स। एलसीएम ले लेंगे इसे, एक बट्टे फोर, एलसीएम कितना हो गया इसका टू, तो ये टू प्लस वन प्लस कॉस फोर एक्स कॉस फोर एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स, और ये डी एक्स। ये कितना हो जाएगा बाहर, वन अपान एट समाकलन, ये कितना हो जाएगा, अचर पद है थ्री वन डी एक्स प्लस कॉस फोर एक्स डी एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा वन अपान एट थ्री। वन का क्या हो जाएगा एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो हो जाता है, ठीक है, प्लस कॉस क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन फोर एक्स अपान फोर माइनस फोर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स अपान टू, क्योंकि गुणांक में कितना है टू, और ये प्लस सी। ये अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे दो, और ये तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स अपान थ्री एक्स अपान एट प्लस साइन फोर एक्स अपान आठ चक्कू बत्तीस माइनस टू अपान एट साइन टू एक्स प्लस सी, काट देंगे कितना हो जाएगा चार, थ्री एक्स अपान एट प्लस साइन फोर एक्स अपान बत्तीस माइनस वन अपान फोर साइन टू एक्स प्लस सी। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, थ्री एक्स अपान एट प्लस साइन फोर एक्स अपान बत्तीस माइनस वन अपान फोर साइन टू एक्स प्लस सी। तो आपका ये उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिए फिर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कॉस 4 2x dx, जिस प्रकार से मैंने अभी साइन 4x का किया, वहां पे केवल x था, यहां पे 2x है, तो यहां पे 2x से हिसाब चलेगा, सेम टू सेम उसी प्रकार है, सिर्फ यहां पे डिजिट क्या चेंज है, डाटा 2x चेंज है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी इसको कर लेंगे, ठीक है, ओके, इसको लगा लेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12, सेम टू सेम है क्वेश्चन, ये कर लेंगे, ठीक है, ये होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसके स्थान पर ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये एक पढ़ा तुमने क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ए मतलब यहाँ पे x है तो x कर लेंगे, यहाँ पे x x और ये x और ये dx, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1 dx माइनस cos x dx। x 1 का क्या हो जाएगा x, और cos का sin x प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया, ओके, एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 13। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा, समाकलन करना है ये dx, ओके। तो cos 2x का सूत्र क्या होता है, 2 cos square x minus 1 minus, और ये 2 cos square alpha minus 1 upon cos x minus cos alpha, और ये dx, समाकलन 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus minus plus अपान cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये डी एक्स। टू समाकलन, एक एक बार जोड़ देंगे कि एक बार घटा देंगे, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये नीचे का इसके कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये डी एक्स, इससे ये कैंसिल आउट। क्या बचा टू समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और ये डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। टू कांस्टेंट वैल्यू है कॉस एक्स डी एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टू और कॉस अल्फा भी कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर कर लेंगे कॉस अल्फा समाकलन वन डी एक्स। तो टू कॉस का क्या हो जाएगा समाकलन साइन एक्स प्लस टू और कॉस ये अल्फा और वन का क्या हो जाएगा एक्स और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस टू एक्स और ये कॉस अल्फा प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ओके एनी प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर और शेयर कर दीजिए। ओके मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान वन प्लस साइन टू एक्स समाकलन डी एक्स। ओके ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन टू एक्स। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक को लिख सकते हैं ना क्योंकि एक की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है वन, तो इसे वन के स्थान पर भी तो डाल सकते हैं तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हो गया डी एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये सूत्र काहे का हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो ये नीचे वाला लेट कर लेंगे ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगी तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन डी साइन एक्स अपान डी टी प्लस डी
कॉस एक्स अपान डी टी, तो डी टी अपान डी टी। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का माइनस, सॉरी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और ये डी एक्स अपान डी टी। और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, डी एक्स अपान डी टी, और ये डी टी अपान डी टी वन। इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों से मिल रहा है डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू वन। तो हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये इसके स्थान पे क्या पड़ जाएगा, ये ओके, इस वाली वैल्यू के स्थान पे क्या पड़ जाएगा, डी टी। तो ये वन अपान टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू और ये डी टी। तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी, टी की पावर माइनस वन अपान माइनस वन प्लस सी, इसे नीचे लेंगे वन अपान माइनस टी प्लस सी, तो माइनस वन अपान टी, टी को माना मैंने क्या था यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसकी वैल्यू हो गई ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 15, समाकलन 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, समाकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे तोड़ लेते हैं, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x और ये dx। अब इसे हम लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। लेट sec 2x बराबर t, t के सापेक्ष अवकलन डी सेक 2x डी टी, डी टी अपान डी टी। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, अगर x होता तो 1 हो जाता, 2 है तो 2 इंटू 1, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या, sec 2x इंटू 10 2x और डी एक्स बराबर 1 अपान 2 डी टी, इसके स्थान पर 1 अपान 2 डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 अपान 2 डी टी, 1 अपान 2 टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 अपान 2 1 डी टी, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 टी 2 प्लस 1 और ये 2 प्लस 1। देखो ये एक्स पावर एन समाकलन लग गया इसमें, तो क्या एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूला लग गया इसमें ठीक है, माइनस 1 अपान 2 और किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो टी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 1 अपान कितना हो जाएगा 6 और टी की घात 3 माइनस और ये टी अपान 2 प्लस सी। अब टी माना क्या था हमने, टी माना क्या था,
वन अपान सिक्स और ये सेक क्यूब टू एक्स माइनस सेक टू एक्स बाई टू प्लस सी, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि ये सवाल क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या समाकलन 10 4x dx, तो इसे किसमें तोड़ लेते हैं, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और ये dx। चूंकि जानते हैं क्या क्या होता है, 10 स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस वन, तो एक के स्थान पे रख देंगे हम sec स्क्वायर x माइनस वन इंटू 10 स्क्वायर x dx, मल्टीप्लाई करा दीजिए sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस इसे sec स्क्वायर x माइनस वन और ये dx। समाकलन देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस वन dx और ये dx, अलग अलग तोड़ लिया। ओके, अब इसमें देखो मान लेते हैं हम 10x बराबर t के सापेक्ष अवकलन, तो डी 10x अपान dt और dt अपान dt, 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपान dt इक्वल टू 1, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर, क्योंकि इसके स्थान पे क्या पड़ जाएगा, इसके स्थान पे ये dt, तो ये टी स्क्वायर dt माइनस 10 का क्या sec स्क्वायर x का क्या समाकलन होता है 10x और 1 का x प्लस सी इक्वल टू, अब टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 10x प्लस x प्लस सी, तो ये t की घात 3 अपान 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। तो 10 मान क्या रखा है मैंने यहाँ पे 10x बराबर t, तो कितना हो जाएगा 10 क्यूब x अपान 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर इसका हो गया। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पे, समाकलन साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके लिखेंगे सॉल्व। तो इसको अलग अलग लिख देते हैं क्या, साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये dx। देखो इस पूरे वाले से रुक जाइए, इधर ऐसे समझ लीजिए, इसे ये लिखा है क्या साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर का मतलब दो बार, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ही इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये डी एक्स। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया साइन एक्स अपान इसे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स। ये इसे क्या लिख सकते हैं टेन एक्स कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस ये कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स और ये डी एक्स। इसके बाद में इसका देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स और माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इसका फाइनल आंसर ये हो गया। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18 कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स समाकलन dx। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है, कोई भी इसमें कुछ खास करना नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें सॉल्व, तुम्हें फार्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। सॉल्व क्या, कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस के फार्मूले तो बहुत के होते हैं साइन के पदों में, तो 1-2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो कॉस 2x बराबर क्या होता है 1-2 साइन स्क्वायर एक्स,
इसके स्थान पर इसे पुट कर सकते हैं, और पुट कर भी दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल, वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। देखा कितना सिंपल तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे हम 19। क्वेश्चन नंबर 19, वन अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और ये डी एक्स, इसका समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, ये वन अपान साइन एक्स और ये इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो लिखेंगे यहाँ हर में कॉस एक्स से गुणा व भाग करने पर, वन अपान साइन एक्स और ये कॉस एक्स से भाग दे दिया, कॉस एक्स से गुणा करेंगे और ये कॉस क्यूब एक्स है, ये इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, समाकलन, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक फोर एक्स डी एक्स और ये टेन एक्स और समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फोर को दो दो में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और ये टेन एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स और ये डी एक्स। अब लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन डी टेन एक्स अपान डी टी और ये डी टी अपान डी टी। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान डी टी, डी टी अपान डी टी वन, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही हमें चाहिए था, मिल गया मुझे जो चाहिए था। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये वन प्लस टी स्क्वायर अपान टी और ये डी टी, अलग अलग कर दीजिए, ये वन अपान टी प्लस टी स्क्वायर अपान टी और ये डी टी, इससे ये ऊपर घात कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, वन अपान टी प्लस और ये डी टी और ये टी डी टी, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग टी प्लस टी टू बाई टू प्लस सी। अब टी माना क्या था मैंने, टेन, तो लॉग टेन एक्स प्लस टेन एक्स क्यूब स्क्वायर अपान टू प्लस सी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, लॉग
लॉग टेन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू और का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर आ गया। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना, गुड। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है समाकलन कॉस 2x अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ये dx। ओके, तो देखो एक सूत्र होता है क्या, कॉस 2x बराबर कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कास टू एक्स के जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए समाकलन कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ये डी एक्स। अब a प्लस बी ए माइनस बी एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये डी एक्स। समाकलन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ अब इंक डाल लेते हैं, तो ये बेस वाला लेट कर लेंगे, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन डी कॉस एक्स अपान डी टी प्लस डी साइन एक्स डी टी अपान डी टी। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स अपान डी टी और साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू वन। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, डी एक्स अपान डी टी बचा का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन। कॉस एक्स पहले लिख लीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसके स्थान पर ये पुट कर देंगे डी टी, इस वाले स्थान पे डी टी पुट कर देंगे और नीचे वाले वन अपान टी डी टी। इसका फार्मूला वन अपान टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। लॉग टी क्या लेट कर रखा है मैंने, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये फार्मूला, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 आपके समझ में आ गया होगा।
अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, समाकलन साइन इनवर्स कॉस एक्स ये डीएक्स। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, इसे साइन पाई बाय टू माइनस एक्स और ये डीएक्स, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। पाई बाई टू अचर पद है, पहले निकालेंगे इसे, डीएक्स माइनस एक्स डीएक्स, पाई बटे टू ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 एकदम समझ में आपके आया होगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं 2 महीने के अंदर पूरी इंटरमीडिएट की मैथ पूरी एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90+ नंबर आपके अवश्य आएंगे अगर आप नित्य वीडियो देखते रहेंगे, अगर स्किप करके नहीं बारी बारी से, ठीक है। अगर जैसे तुम्हें स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर स्पीड तुम्हें तेज़ लग रही है तो स्लो कर सकते हैं, अगर क्वालिटी कम आ रही है तो 360 पे देखें, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, क्या कह रहा है? समाकलन 1 अपान cos x - a और कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। तो समाकलन डी एक्स कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, देखो ए और बी है तो लिखेंगे लिखेंगे वो अंश व हर में साइन बी माइनस ए से गुणा व भाग। तो साइन बी माइनस ए और साइन बी माइनस ए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकालेंगे 1 अपान sin b - a, साइन बी माइनस ए और ये कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। देखो 1 अपान sin b - a, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के 100% चांस हैं। तो यहाँ पे साइन, देखो साइन यहाँ पे b, देखो एक x यहाँ पे क्या करेंगे, एक x जोड़ देंगे और एक x घटा देंगे और माइनस a। ओके, ये हो गया, कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं। और नीचे का इसके cos x माइनस a और cos x माइनस b और ये dx। अब हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है, 1 अपान sin b - a समाकलन। अभी से देखो यहाँ पे हम साइन, ये इसको इसको ले लेंगे, साइन x माइनस ए प्लस
बी माइनस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। ओके, अब देखो इसको भी अगर x माइनस बी बनाना है तो यहां से कॉमन अब इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब 1 अपान साइन बी माइनस ए समाकलन साइन x माइनस ए, माइनस कॉमन जब लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये dx। देखो ये ऊपर वाला पैटर्न बनाना है। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, ये पूरा टर्म a है ये पूरा टर्म b है, ठीक है। वन अपान साइन b माइनस ए समाकलन ये साइन x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। अब सबको अलग अलग करके लिख देंगे, हर प्रत्येक के हर के नीचे लिख देंगे, अंश के नीचे लिख देंगे। वन अपान साइन बी माइनस ए समाकलन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स, ये डी एक्स और ये सबके अपान में है। ओके, इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। वन अपान साइन बी माइनस ए बी माइनस ए बड़ा ब्रैकेट समाकलन अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस समाकलन टेन एक्स माइनस बी ये डी एक्स, ये हो जाएगा वन अपान साइन बी माइनस ए। ये सूत्र होता है लॉग लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी। अब अगर कहीं पे लिखा है लॉग एम माइनस लॉग एन तो लिख सकते हैं लॉग एम बटे एन, तो वन अपान साइन बी माइनस ए तो लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स माइनस ए अपान सेक एक्स माइनस बी और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आया होगा और ये पेपर के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ओके। अगर इसे कॉस में लिखना चाहेंगे तो इसे डाटा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉस में अगर इसे लिखना चाहेंगे, ये उत्तर आपका फाइनल सही है, या इसका उत्तर तुम, या इसका उत्तर ये लिख सकते हो, वन अपान साइन बी माइनस ए और लॉग, ये ऊपर सेक जाएगा तो कॉस बन जाएगा, नीचे ऊपर वाला सेक नीचे आएगा तो क्या कॉस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस बी और अपान कॉस एक्स माइनस प्लस सी। ये उत्तर सही या ये दोनों उत्तर सही हैं आपके, ओके। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नहीं ना, गुड। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कम से कम एक से दो बार और जब भी बैठे कॉपी कलम साथ में होनी चाहिए, ठीक है, लगाते जाइए और पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे, लिखेंगे हल साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक का क्या होता है, टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस बना लेगा, ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन ए सही इसका, ओके। अब ऑप्शन ए सही। अब लास्ट क्वेश्चन 7.3 का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखते इसे हड़ाएंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 24। ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स और ये डी एक्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके। तो लेट ये मान लेंगे, लेट ये e की पावर x x बराबर टी, टी के सापेक्ष अवकलन, प्रथम पद द्वितीय पद, फार्मूला होता है प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन, e की पावर x द्वितीय पद का अवकलन डी एक्स अपान डी टी प्लस द्वितीय पद ऐसे और प्रथम पद का अवकलन डी ई की पावर एक्स अपान डी टी और डी टी अपान डी टी ई की पावर एक्स और डी एक्स अपान डी टी प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू वन, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है डी एक्स, तो बचा का ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स अपान डी टी बराबर वन, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है ई की पावर एक्स
वन प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, वो मिल गया तो जिसको तो मुझको तलाश थी, जिसकी तो मुझको तलाश थी, मतलब क्या मिल गया, ऊपर वाला अंश मिल गया हमें, देखो ठीक है। अंश किसके बराबर हो जाएगा, वन अपान कास स्क्वायर टी और ये डी टी, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, टेन, ये है ई की पावर एक्स और ये एक्स प्लस सी, ये आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज 7.2 एंड ओके। विधिवत मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप इसे एक से दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो समाकलन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में जो तुम चुटकियों में उड़ाना दो। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेज दीजिए, क्योंकि जिससे उनका भी भला हो सके, उनके भी 90 प्लस नंबर आ सके। मैं नवंबर दिसंबर दो महीने के अंदर मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा।